पलटा के स्पिनी रोड पर फायरिंग के एक वाके में हजारा कम्युनिटी के दो अफराद जाबहक और दिगर दो शदीद जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे रिजवान सईद से। रिजवान बताइए कि पता चल सके कि फायरिंग किसने की और जख्मियों की हालत के बारे में भी बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ये स्पिनी रोड का इलाका है। यहाँ से ये येलो कैब टैक्सी में सवार चार अफराद जो है वो बाजार की तरफ जा रहे थे कि नामालूम मुसल्ला अफराद की जानिब से इन पर फायरिंग कर दी गई। फायरिंग के नतीजे में दो अफराद जाबहक हो गए जबकि दो अफराद जो है वो जख्मी हुए। जख्मियों को इस वक्त सिविल हॉस्पिटल में पहुंचा दिया गया है जहां उन्हें इब्तदाई तिबी इमदाद दी जा रही। डॉक्टर्स के मुताबिक उनकी हालत जो है वो खतरे से बाहर है, तहम एक जख्मी की हालत के हवाले से थोड़ा तशवीश का इजहार किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि वाकये के फौरन बाद ही पुलिस और रेस्क्यू टीमें जो है वकुआ पर पहुंच गई थी और इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था। इस वक्त भी ये इलाका जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेज के मुहासरे में है, शवाहद इकट्ठे किए जा रहे हैं। सिक्योरिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो क्वेटा में इससे कबल भी इस स्पिनी रोड पर हजारा कबीले से ताल्लुक रखने वाले अफराद की टारगेट किलिंग के वाकयात रूनुमा होते रहे जिसके पेश नजर यहाँ पर जो है वो सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। ताहम आज एक बार फिर हजारा कबीले के अफराद को यहाँ पर टारगेट किया गया है जिसमें दो अफराद जहां बाहक जबकि दो जख्मी हो गए। जी बहुत शुक्रिया रिजवान सईद आपका अपडेट करने के लिए।